वेलकम बैक टू आर्या सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 10 मैथमेटिक्स की बात करेंगे और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी को मालूम है, इस समय निर्देशांक ज्यामिति की हम बात कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह से हम किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करते हैं और उसके हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसके बाद हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं उसके सूत्र और सवाल को भी देखा है। लेकिन आज जो टॉपिक हमारा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सबसे पहले हम बताएंगे इन केस जब त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हों, और उसके अलावा फिर सूत्र बताने के बाद हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन आपके सामने है और इसका हम सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। आखिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हुए कैसे हम सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आज सबसे पहले महत्वपूर्ण इसका सूत्र है, फार्मूला अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, क्योंकि सूत्र इसका लंबा है लेकिन इसका सूत्र निकालने का तरीका हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे जिससे आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज का सूत्र कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहला सिंपल सा तरीका जो है वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जो निर्देशांक है हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3 और लास्ट में जो हमने शुरुआत किया था उसको फिर एक बार लिख लेते हैं x1 y1 और कुछ इस तरह से एरो का निशान बनाएंगे। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से एरो का निशान हमने बनाया। अब हम यहां लिख लेते हैं त्रिभुज का जो सूत्र है, सबसे पहले 1/2 और यहां छोटे ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या लिखा है, इस तरह से बनाया x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1 और ये स्मॉल ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। यहां देखिए सभी जगह प्लस लगा हुआ है, अब हम लगाएंगे यहां पे माइनस, इसके आगे जगह यहां पर कम है तो हमने यहां पे माइनस लगा दिया और स्मॉल ब्रैकेट लगाया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से निशान बनाएंगे, इस तरह से y1 x2, इसमें लिखेंगे हम y1 ax2 प्लस y2 ax3 और प्लस y3 x1। तो ये यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो एक तो ये सूत्र हो गया, एक और हम आपको तरीका बताते हैं। दोनों तरीके सीख लीजिए, जो अच्छा लगे उसको अप्लाई कीजिए। चलिए तो बना ही है, इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, ये जो बना है इसी के अकॉर्डिंग यहां देख लेते हैं। तो अथवा जो दूसरा तरीका है वो भी यहां सीख लीजिए, 1/2 तो लिखना ही है और यहां हम लिख दें x1 ब्रैकेट प्लस x2 और प्लस x3, इस तरह से हमने लिखा, ठीक है। x1 ब्रैकेट लगाया, अभी फिलहाल खाली है ब्रैकेट, प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3, इस तरह से लिखा। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा ये हमें सोचना है, अभी y कहीं नहीं आया, y1 y2 y3 के नहीं आया। तो अब हम चूंकि यहां x1 है तो अगला क्या होगा 2, यानी कि y2 से शुरुआत करेंगे। तो यहां लिखेंगे y2 माइनस y3, अब लिखेंगे अगले में हम y3 माइनस y1 और प्लस x3, अब x3 के बाद यहां पर क्या आएगा, आप देखिए y1 माइनस y3। तो इस तरह से ये सेकेंड यहां फॉर्मूला आ गया।
यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात हैं, x1 y1 x2 y2, तीनों शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर आपके सामने हैं, और ऐसे सिचुएशन में उसका सूत्र क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र क्या होगा, वो दोनों ही मेथड हमने आपको बताया। आई थिंक आपको दोनों ही मेथड इजी लगे होंगे। अब इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल हमारे सामने है, सवाल हमारे सामने है, सवाल को हम करेंगे यहाँ पे। और तो ये सूत्र यहाँ पे हमने लिख लिया है, और यहां से हम इस सूत्र को हटा देते हैं। अब जो निर्देशांक दिए हैं यही पर चलिए हम लिख लेते हैं x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x3 y3। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 1/2। x1 का मान क्या है, आप देखिए 0 है, तो 0 लिख देंगे। y2 - y3, y2 का मान 0 है, y3 का मान 3 है, तो 0 - 3 हो जाएगा, प्लस x2, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 हो गया, और y3 - y2, y3 का मान 3 है, माइनस y1, y1 का मान 0 है, प्लस x3 का मान क्या है, x3 का मान देखिए 0 है, y1 माइनस y2, y1 का मान 0 है, माइनस y2, y2 का मान भी 0 है। तो इस तरह से वैल्यू पुट किया है 1/2, और ये 0 को मल्टीप्लाई होगा, पूरा ब्रैकेट ही 0 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0 यानी कि 3 इनटू इनटू 3 बचेगा, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये हमारा 1/2 गुणे 3 × 6 बचेगा, बाकी 0 है, 6 यहाँ लिख दिए, 2 × 3 6, तो इस तरह से 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है, यही हमें आंसर चाहिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात हो तो बहुत आसानी से सूत्र का यूज करते हुए हम उसके क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अब आपको होमवर्क में एक सवाल हम देते हैं, तो होमवर्क कीजिएगा तो आपका अभ्यास भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 बिंदु आपके सामने हैं और सवाल आ गया, यही सवाल आपका होमवर्क है, तो इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को जरूर बताइएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसको शीर्षों के निर्देशांक 1, 3, 4, 5 और 3, 2 है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। इसका आंसर क्या आता है, निश्चित रूप से आप सभी इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, और हम उसमें आपको रिप्लाई करेंगे कि आंसर आपका सही है या नहीं। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी टॉपिक पर आधारित नए सवाल किस तरह के बनते हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।